कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में राहत मिलते ही बिलासपुर की सड़कों पर यातायात बढ़ गया है। सड़कें गाड़ियों से भरी नजर आ रही हैं। कई जगह सड़कों के दोनों ओर वाहन खड़े होने शुरू हो चुके हैं। इस ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की यातायात पुलिस टीम फील्ड में जुट गई है। पुलिस लोगों को यातायात नियमों की पालन करने के लिए जागरूक करने के साथ साथ नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर चालान भी कर रही है। यातायात पुलिस प्रभारी भगत राम ने बताया कि वे अपनी टीम के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कई जगह नो पार्किंग में खड़े वाहनों का चालान भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान चेतना चौक, चंपा पार्क, गुरुद्वारा चौक व बस अड्डा चौक पर नाका लगाकर नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा भी कसा गया। बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन दौड़ाने वाले सहित अन्य नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वाले गाड़ी चालकों के चालान भी किए गए। यातायात पुलिस प्रभारी भगत राम ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और अवहेलना न करने की हिदायत भी दे रही है। पुलिस का मकसद लोगों का चालान काटना नहीं बल्कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे अपने वाहन पार्किंग में ही खड़ा करें। ट्रैफिक पुलिस जो है लोगों को जागरूक कर रही है ताकि वो वायलेशन ना करें। हमारा मकसद चालान काटना नहीं, लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करना है। हम लोगों से आग्रह करते हैं, आम जनता से, कि हर कहीं जो है अपनी गाड़ियां खड़ी ना करें, जो पार्किंग प्लेसेस है उन पे पार्क करें गाड़ी को। इस तरह की वायलेशन आ रही है नज़र तो उसका चालान काटा जा रहा है।